गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स माई सिक्स वीडियो ऑन द टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. टूडे वील डिस्कस हाउ टू चेंज ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज इन टू देयर इनडायरेक्ट फॉर्म. लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट आर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज. ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेज आर दोज दैट एक्सप्रेस सम प्रे विश कर्स और अ ब्लेस. ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस से हमें पता चलता है ये एक्सप्रेस करते हैं कोई प्रे विश कर्स और ब्लेस. तो इसके लिए जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स सेंटेंस हमें दिया गया होगा, हमने ये वो फाइंड आउट करना है दैट इज इट इन अ फॉर्म ऑफ प्रे और ये विश की सेंस में है, चाहे ये कर्स की सेंस में है, चाहे ब्लेस की सेंस में है. तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो अपना वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब लिखना है नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में. लाइक मे यू विन नेम एंड फेम. वाइल रीडिंग दिस वी कम टू नो दिस दैट कि ये ब्लेस की टोन में है. तो हम यूज़ करेंगे वर्ड ब्लेस. कहाँ यूज़ करना है वो वर्ड ब्लेस. लेट्स डिस्कस सम रूल्स. So here is a list of rules that we need to follow while converting optative sentences into their indirect form. First is the reporting verb say or said etc. is changed into say or said. जो reporting verb है उसने किस में change हो जाना है. मैंने अभी बात की कि हमने पहले find करना है जो हमें reported speech दी गई है वो bless की tone में है curse की tone में है. तो विश की टोन में तो हमने उसी के अकॉर्डिंग वर्ड चूज करके राइट करने हैं इंटरैक्ट स्पीच में. लाइक तो से सेड विल चेंज इनटू विश विश्ड प्रे प्रेड कर्स कर्स्ड ब्लेस्ड ब्लेस्ड. हाउ लेट्स रीड दिस एग्जांपल. द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग ब्लेसिंग टोन है, ब्लेस किया गया किसी को इन वर्ड्स के थ्रू. क्लियर. सेड हियर इज पास्ट टेंस. तो ये ब्लेस्ड है तो हमने वर्ड यू जो लिखना है इनडायरेक्ट स्पीच में राइट करेंगे वो हम लिखेंगे ब्लेस्ड. ओके. द मदर ब्लेस्ड मी. टू हमने रिमूव कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल. देन वी एडिड दैट हियर. यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो वो आई बन गया. मे विल चेंज इन टू माइट. मे यू लिव लॉन्ग और एक्सक्लामेटरी मार्क हमने जो था वो रिमूव कर देना है. वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा ये. द मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग. नेक्स्ट रूल इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. हमने मे सब्जेक्ट वी वन इज चेंज इन टू ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आप नोट करोगे लाइक द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग. या हम रूल रीड कर रहे थे मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मे इज हियर. देन आफ्टर दैट सब्जेक्ट यू इज हियर. देन लिव. लिव इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वी वन. पहले हमने सब्जेक्ट राइट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में लाइक आई आ गया. ठीक है, यहाँ डायरेक्ट स्पीच में मे था तो यहाँ हमने सब्जेक्ट पहले चूज करना है और पहले राइट करना है. तो यहाँ आए आ गया तभी वो सिंपल स्टेटमेंट बनेगा. और मे सब्जेक्ट प्लस माइट, फिर हमने मे को माइट में चेंज कर देना है. देन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म दैट इज लिव. तो ये बात आपने माइंड में रखनी है दैट इनडायरेक्ट स्पीच में हमने पहले सब्जेक्ट बाद में जो है यहाँ तो माइट का यूज किया गया है और वैसे भी जैसे इंटरोगेटिव में था तो वहाँ पहले सब्जेक्ट आना है बाद में हमने जो बाकी के वर्ड्स हैं चूज करने. सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने पहले सब्जेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में बाद में वर्ब की थी. यहाँ भी हमने सेम ही करना है पहले सब्जेक्ट बाद में अगर मे माइट कोई मॉडल वगैरह दिया गया है तो हमने उसे माइट में चेंज कर देना है. तो उसके बाद जो है आपका वी वन आएगी. और ये चेंजेस कब होगी इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. अगर ये वाला पार्ट जो है
कॉमर्स के बाहर वाला, दैट इज़ नोन एज अ रिपोर्टिंग वर्ब. इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस तब वो माइट में चेंज होना है. फर्स्टली सब्जेक्ट आएगा, माइट आएगा, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? तो उसके लिए इस पार्ट का पास्ट टेंस में होना बहुत ज़रूरी है, तभी बाकी की चेंजेस होगी. क्लियर? तो अगर सपोज यहाँ इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका सेज होता सपोज, तो यहाँ हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है द मदर ब्लेसेस आना था फिर. क्लियर? आफ्टर दैट फिर सिमिलरली अगर सेड दिया गया है तो अगर कर्स्ड टोन में होता तो फिर हमने कर्स्ड लगा देना. अगर V1 में B1 दी गई है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने जो है फर्स्ट फॉर्म लगानी है इनडायरेक्ट स्पीच में. नेक्स्ट इज समटाइम्स एन ऑप्टेटिव सेंटेंस डज नॉट स्टार्ट विद मॉडल मे. तो कभी कभार वो वर्ड जो रिपोर्टेड स्पीच है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है अगर, तो वो मे से स्टार्ट नहीं होता. इन सच अ केस वी अज्यूम मे, तो मे हमने खुद अज्यूम कर लेना, अपनी ओर से मान लेना दैट हम मे यहाँ ऐड कर रहे हैं. रिटर्न फॉर्म में नहीं दिया गया बट हमने खुद से ऐड करना है. एंड कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अकॉर्डिंगली. तो मे ने आपको पता ही है कि माइट में ही चेंज होना है. लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल. शी सेड लॉन्ग लिव माई टीचर्स. लॉन्ग लिव माई टीचर्स विश, रीड करने से हमें पता चल रहा है कि ये विश है. सेड वर्ब सेकेंड फॉर्म था तो ये विश थी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ड यहाँ लिख दिया, राइट कर दिया विश्ड. शी विश्ड, देन टू वगैरह यहाँ नहीं दिया गया तो दैट कंजंक्शन लगा दिया हमने. शी विश्ड हर टीचर्स माइट लिव लॉन्ग. तो हमने मे यहाँ नहीं दिया गया था तो हमने खुद एज्यूम कर लिया कि यहाँ मे है, तो हमने उसे माइट में जो है कन्वर्ट कर दिया. पहले आ गया सब्जेक्ट, देन माइट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गई. और ये सारी चेंजेस आगे क्यों हुई हैं? बिकॉज शी सेड रिपोर्टिंग वर्ब हमारी जो थी वो पास्ट टेंस में थी. क्लियर?